नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जब भी सियासत की बात होती है तो बिहार की राजनीति के लिए जाति एक ऐसा फैक्टर है जिसके सहारे तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत साधते हैं। तो ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो लोकसभा चुनावों के पहले जातिगत राजनीति की सियासत को साधने में कोई भी दल पीछे नहीं है। और अगर हम बात बिहार की करें, जहां पर कि जातिगत राजनीति को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल हमेशा से अलग अलग जातियों पर पकड़ बनाए रहते हैं, तो उसमें लालू यादव का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है। दरअसल उनका नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि लालू यादव ने हमेशा से कहा, इस बात को एक तरीके से परोक्ष तरीके से कहा है कि राजद के वोट बैंक का मतलब है MY समीकरण। M यानी मुसलमान और Y मतलब यादव। तो मुस्लिम यादव के इसी गठजोड़ को लेकर के लालू यादव हमेशा से बिहार की सियासत में एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभरते रहे हैं जिनका एक तरीके से कहा जाए तो लगातार इकबाल बुलंद रहा है। लेकिन लालू यादव को लोकसभा चुनाव 2024 में अब करारी मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसी यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की बड़ी योजना बनाई है। जी हां, भाजपा जो कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में NDA को 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीतता देखना चाहती है, उसने लालू यादव के यादव वोट बैंक में ही सेंधमारी करने के लिए योजना बना ली है। और इसे लेकर के कई प्रकार की योजनाओं पर मिशन यादव के तहत BJP ने अपनी योजनाओं को साकार करने में आगे भी पहल किया है। तो अगर हम आपको बताएं कि यह कैसे किया जाएगा, दरअसल लोकसभा चुनाव अगले 2-3 महीनों में हो जाएंगे, तो लोकसभा चुनावों के पहले अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो ध्यान है वो बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक यादव पर है। जैसे अगर आप बिहार में जो पिछले दिनों जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जिस जाति की आबादी है वह यादव जाति है। वही यादव जाति जिससे लालू यादव आते हैं और जिस यादव और मुस्लिम समूहकरण के सहारे राष्ट्रीय जनता दल को लगातार अलग अलग चुनावों में लालू यादव जीत दिलाते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि अगर लालू यादव को हमें बिहार में हराना है तो सबसे पहले हमें इस यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की आवश्यकता है जो एक लंबे अरसे से लालू यादव के साथ चट्टानी एकता के तहत खड़ा है। तो लालू यादव को हराने यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनावों में हराने की जिस रणनीति पर भाजपा काम कर रही है वह है मिशन यादव। तो मिशन यादव के तहत भाजपा ने जो योजनाएं बनाई हैं अगर आप उस पर जाएंगे तो इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहली योजना तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा के तमाम उन यादवों को फ्रंट पर लाएगी जो नेता भाजपा में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी जिनकी अच्छी खासी पहचान है। जैसे अगर आप याद करें तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो यादव नेता हैं उसमें नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव, इसके अतिरिक्त जो कई ऐसे नेता जो मौजूदा समय में अलग अलग पदों पर हैं, तो उन तमाम नेताओं को आगे किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर बाहर के भी यादव नेता, जैसे अगर आप बात करें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो इन तमाम नेताओं को भाजपा बिहार में लाएगी और यादव बिरादरी वाले क्षेत्रों में उन्हें विशेष तौर पर भेजा जाएगा ताकि यादवों के बीच यह संदेश दिया जाए कि भाजपा ही यादवों के हितैषी पार्टी है। और इतना ही नहीं, यादवों को बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव में टिकट भी मिल सकता है जिससे यादव बहुल लोकसभा क्षेत्रों में लालू यादव के जो परंपरागत वोट बैंक हैं उसमें सेंधमारी करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जाए। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जिस मिशन यादव पर लगी हुई है उस मिशन यादव को साकार करने में किन किन नेताओं का साथ लेती है। और इतना ही नहीं, भाजपा की एक रणनीति यह भी बताई जा रही है कि वैसे यादव नेता जो पिछले वर्षों के दौरान चाहे राजद हो, जदयू हो, इन दलों में अपने आप को हाशिए पर परामान रहे हैं, उसे भी अपनी पार्टी में लाया जाए। तो आगे आने वाले समय में बिहार में यादव जाति को लेकर के एक बड़े खेल के तहत भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जो अलग अलग जाति के नेता हैं उसमें यादवों पर एक बड़ा खेल आजमा सकती है। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब मिशन यादव कहां तक साकार होता है।